पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बस हो सरो बोलिए विनोरा धाम सरकार की जय। अब महाराज भगवान पुष्प दल तोड़ने लगे, भगवान कलियों का भी उद्धार करने लगे। इतने में हमारी जानकी जी अपने सखियों के साथ पधारी। जानकी जी ने कहा कि कुछ फूल तोड़ लाओ माता गौरी की पूजा के लिए। तो जो सखी गई, सखीन की दृष्टि पड़ी जब प्रभु राम के मुखमंडल पर, सखी धन हो गई। अब विचार करना, भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि साधन वाले को नहीं मिलते, पर साधनहीन को, क्योंकि माँ की ज्यादा ममता छोटे पे ज्यादा होती है। अब भगवान को पहले किसे मिलना चाहिए? जानकी जी से पहले मिल गए उनकी सखी से। और सखी ने जब प्रभु को देखा तो निहाल हो गई, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, सपने में नहीं सोचा था कि प्रभु श्री राम का कभी दीदार होगा, आज देखा। नाचने लगी। जब लौट कर आई, जानकी जी ने पूछा कि तू नाच काहे को रही है? तो क्या बोली कि हम पे चलाए दियो टोना, कि हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। राम लखन को
बगिया में देखा राम लखन को बगिया में देखा बगिया में देखा मैंने बगिया में देखा बगिया में देखा मैंने बगिया में देखा हाथ लिए फूल गोना किशोर गोर सादरा सलोना बै जलाई रोना किशोर गोर सादरा सलोना जानकी जी बोले कि तूने घूंघट क्यों नहीं किया हमारे जनकपुर की पर पुरुष को देख के घूंघट डालती है तूने क्यों नहीं डाला बोली डाला था राम जी को देख मैंने घूंघट है ना राम जी को देख मैंने राम जी को देख मैंने घूंघट है कीना घूंघट है कीना घूंघट है कीना जानकी जी बोली जब घूंघट था तो फिर कैसे दिख गए बोली एक गलती हो गई थोड़ा थोड़ा रहा थोड़ा खुला रहा कोना थोड़ा खुला रहा कोना किशोर गोर सावरा सलोना चलाए दिया कोना किशोर गोर सावरा सलोना कहती है कि जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगे जब मेरी नजर उन पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगे आपका ध्यान किधर है हमारा ध्यान आप पे है वो कहती है मेरी नजर जब पड़ी तो वो मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे राम जी को देख मैंने मृदु मुस्काए राम जब देखे मृदु मुस्काए राम जब देखे हे जानकी जी अब तो सब भूल गई हो गया जो था होना हो गया जो था होना किशोर गौर सावरा सलोना किशोर गौर सावरा सलोना
राम राजा सरकार की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मत सोचना कि पंडितों को ही भगवान मिलते हैं कि पुजारियों को ही भगवान मिलते हैं। भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं। कहने का अर्थ है ये मत सोचना कि इस यज्ञ में अगर तुम झाड़ू का काम कर रहे हो तो मुझे विश्वास है भगवान तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे। आज गौरी माँ के सामने जानकी जी मन में प्रभु श्री राम को धारण करके विनती कहती हैं, तो कहने लगी तू जा कि मन जाहिरा चौ मिलै सोवर सहज सुंदर सांवरो। सुन सिय सहित ये हर सियली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मन दिल। माता जानकी जी पूजा करके प्रभु श्री राम की ओर देखा तो गदगद हो गई, आंखों ही आंखों में निमंत्रण दे दिया धनुष यज्ञ का। राम कथा प्रेमी बंधुओं,